शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? राज कहाँ है? तुम लोग चुप क्यों हो? राज कहाँ है? कहाँ है राज? आप क्या चाहती हैं कि हम अपने दोस्त का राज खुद ही खोल दें? क्या मतलब? यानी पूजा बेदी लंका ढाए, घर का भेदी रौनक। आई नो यार, सम काइंड ऑफ बेदी। कहाँ गई राज? वैसे अगर आप इंसिस्ट करती हैं तो बता देता हूँ, राज इंडिया चला गया। He's gone to India. India? Why? वैसे कुछ काम था, जाना पड़ा। मेरे लाइक को काम हो तो बताइए। राज, अबे गई वो। अर्ज किया है, जिस बला को आप कई दिनों से नहीं डाल पाए उसे हमने एक ही बारी में डाल दिया। अब आपकी हफ्ते भर की ट्रेनिंग, रिलैक्स। इसे कहते हैं 100 सोनार की और 1 चमार की। अरे वेरी गुड यार, वैसे पहली बार तूने अपना मुहावरा सही बोला। ये है लंदन का बकिंगम पैलेस और ये पापा चाची आ गए। ये चाची शली शली। हे राज, हेलो भैया। अरे वाह वाह वाह, तुम खड़े रहोगे या मुझसे भी मिलोगे? कैसे है मम्मी? मम्मी देखो चाचू मेरे लिए इतनी अच्छी डॉल लेके आए हैं। कितनी सुंदर है। अच्छा भाभी, मुझे बहुत भूख लगी, मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, फटाफट खाना बना। ओके राज। यस। ऊपर नहीं यार, ये सामने वाले कमरे में चले जाओ। क्यों भैया, मेरे कमरे में क्या हुआ? नहीं, वो क्या है कि वी हैव केप्ट अ पेइंग गेस्ट। क्यों मेरे कमरे में पेइंग गेस्ट क्यों रखा? राज, वो रूम तो पैसे भी बंद रहता था ना। तुम्हारे भैया सुबह कॉलेज चले जाते, मैंने कुछ ट्यूशंस ले रखी है। शैली घर में अकेली बोर होती रहती थी, इसी बहाने उसे एक अच्छी कंपनी मिल गई। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। चलो अच्छा, शैली को कंपनी। नमस्ते जी। मैंने तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया था, इसका मतलब ये नहीं आप मुंह खोल कर देखते रहो। राज, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो जी, पहले मैं हवाई जहाज लेकर आई और फिर मैंने ट्रेन ली, ट्रेन के बाद मैंने बस ली और बस के बाद जब मैं ऑटो लेकर आई तो इतने झटके पड़े, मैं क्या बताऊं? तो तुम इसे जानते हो? हाँ भैया, मैं इस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अजी कहाँ अच्छी तरह, अच्छी तरह जाने से पहले आप तो इंडिया आ गए थे ना। अरे तो क्या, कोई बात नहीं भाई, अब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरह जाने लगेंगे। जी भैया। ये आपको भैया बोल रही है? अरे तो क्या हुआ, सुखी रहो। बहुत अच्छी लड़की है राज, इतने साल विदेश में रहने के बाद भी अपने देश की संस्कृति नहीं भूली, हम सबका दिल जीत लिया इसने। तुम्हारी यही हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? लेकिन भाभी को तो पसंद है ना मेरी हरकतें भी और मैं भी। क्योंकि उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता। हाँ? बता दूं, डिस्को में किस हालत में मिली थी तुम मुझे, नशे में टून। बता दो बता दो, और फिर ये भी बता देना कि तुम उठा कर मुझे घर पे ले गए थे, मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे, मुझे अपने बिस्तर पे लिटा दिया था और फिर न जाने क्या क्या किया था। मैं तो होश में नहीं थी और फिर ये सारा कुत्ता दे दिया था मेरा तन ढकने के लिए, और ये कुत्ता प्रूफ है मेरे पास। भाभी आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं तुम्हें? अरे बच्चू, अब मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत में है। एयरफोर्स एयरफोर्स बिगड़ेगी तो दोनों की बिगड़ेगी। क्या बिगड़ेगी? हाँ क्या बिगड़ेगी? दे मेरा कुर्ता। दे मेरा कुर्ता। राज जी, क्या क्या चल रहा तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मैं वो एक्सक्यूज मी, आप अपना कुर्ता फिर से छोड़े जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप अपने कपड़े तो ले जा रहे हैं, मेरे तो छोड़ते जाइए। बदतमीज, ये ले। चलो साथ साथ चाय प्लीज। राज, आलू गोभी कमाल की है। एक काम करो भाभी, थोड़ी आलू गोभी डाल दो, नहीं तो भैया नाराज हो जाएंगे खामखा। ये लो। I just love this रुमाली रोटी, I really miss it। तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता, रोज खाने को मिलेंगी ऐसी रोटियां। अच्छा सुनिए जी, आप जो इसके लिए लड़की ढूंढने वाली थी उसका क्या हुआ? अरे मैं तो आज के आज ढूंढ दूं, पर ये मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा? शादी क्यों नहीं करेगा, अरे गधे की टांगे नहीं तोड़ दूंगा मैं। लेकिन एक शर्त पे करूंगा, खाना वो भाभी जैसा बनाएगी। राज, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज पूरा खाना जिया ने बनाया है। क्यों आउट हो गए चाचू, क्लीन बोल्ड? बेटा चुपचाप खाना खाते, बच्चे बात नहीं करते खाना खाते। भाभी ये कोई दाल है? हा? नमक भी नहीं है इसके अंदर, देखो खा के देखो। मिस जिया, लगता कोई नहीं है, कहाँ है मेरी किताब? हम्म
चुप के देख रहे थे, बोलो हाँ कि ना? मैंने कुछ नहीं देखा। देखा है? मैंने कुछ नहीं देखा। ओके, आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं चलेगा मिस्टर। तो बोलो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। लेकिन मैंने कुछ देखा ही नहीं। नहीं देखा तो अब देख लो ना। जी, आप क्या कर रही हैं? भाभी 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 आगे भाभी भाभी को बोल दो कि तुम मुझे नहाते हुए देख रहे थे। क्या? मैंने कुछ देखा ही नहीं और सॉरी भी तो बोला था मैंने। सॉरी वाली बोलने से कुछ नहीं चलेगा, बोलो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। ना ना। हाँ के ना? हाँ। अच्छा हाँ तो बोलो प्यार से कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। हाँ तुम मुझे अच्छी लगती हो बस। भाभी आ गई। अब मैं कहाँ चुप हूँ? यहाँ कैसे चुप रहता हूँ? डाल पकड़ डाल पकड़ डाल। जिया जी भाभी। जिया तुमने राज को कहीं देखा? नहीं तो भाभी, शायद वो अपने कमरे में होगा। नहीं वहाँ नहीं है, नीचे भी कहीं नहीं है। अच्छा वो शायद टॉवल में, मेरा मतलब बाथरूम में होगा। बाथरूम में होगा, ठीक है मैं देखती हूँ। ओके। क्या हुआ? सांस लेने में। आफ्टर ऑल तुमने कबूल तो किया कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। ए मजा आया ना? नहीं आया तो फिर से आ जाओ। क्या बदतमीजी है ये? तो मैं भाभी की वजह से मैं अंडर प्रेशर में आ गया था। अंडर प्रेशर में हो या अंडर स्ट्रेच में, तुमने कबूल तो किया। बदतमीज। आई विल गेट यू बेबी। एक मिनट छोले खाने। हाँ चलो। ए टॉवल की औलाद, चल उतर उतर, तुम नहीं आ सकती हमारे साथ, चलो उतरो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ घूमने फिरने का। वो तो भाभी ने कहा था कि बाजार जाके करवा चौथ का सामान लेकर आ जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, आसमान थोड़ी ना टूट पड़ेगा अगर मैं सामान नहीं लेकर आई तो। बस भाभी का व्रत पूरा नहीं होगा, अगर उनका व्रत पूरा नहीं हुआ तो वो भूखी रह जाएंगे, अगर वो भूखी रह जाएंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, अगर गुस्सा आ जाएगा तो गुस्सा भैया पे उतारेंगी, और अगर भैया पे गुस्सा उतारा तो आज के दिन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन मियां बीवी की लड़ाई में मेरा क्या जाता है? अरे जिया तुम लोग अभी तक गए नहीं। वो भाभी राज ने ना। बैठो बैठो जी। क्या कहा आपने? आइए जी, बैठिए जी, करवा चौथ का सामान ले। So sweet. ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? मेरी कमर से हाथ हटाओ। तो कहाँ रखूँ? अपनी कमर पे रखो। अगर मैंने पकड़ा नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। तो गिर जाओ। अगर मैं गिर गई तो सामान नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा तो व्रत पूरा नहीं होगा, व्रत पूरा नहीं होगा तो भैया भाभी की लड़ाई हो जाएगी, और करवा चौथ की जगह भैया भाभी की लड़ाई होगी। चुप ना यार, तू चुप ना यार, सारा टाइम बोलती रहती है, चुप बैठ। उतरो। एक बार चढ़ गए तो उतरते ही नहीं। हटो, जाओ शॉपिंग करो, चलो हटो। वो लोग तो गए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। चले? कहाँ? दिल्ली जा रहे थे, सबको बीच में ही रोक लिया। चलो ऐश करते हैं। How dare you touch me, you dog? Stupid man. Dog? You bitch? ले चल इसको, चल, 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 गाड़ी में डाल इसको। चाचू दीदी। राज ले जा रहे मुझे, राज! छोड़ मुझे! अरे छोड़ो, ना! छोड़ो मुझे, अकेले ले मुझे। क्या हुआ? क्या बे? हीरो क्या तू? हाँ? हाँ? चल जा इधर से, चल ले उसको। Oh!
नहीं तो मेरा दोस्त मर जाएगा बेटा। तुझे मारना है ना, ले मुझे मार, ले ले। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। शौक है ना तुम लोगों लड़कियों का छेड़ने का? चाची चाची ये मर जाएगा, बस करो। चले भैया, तू उठा अपनी। थैंक यू सब, लेके जा अपने बाप को। चल तू उठा यार। मुझे मालूम था कि तुम मुझसे प्यार हो गया, वरना मेरे लिए इतनी डिशुम डिशुम फाइटिंग क्यों करते? बोला हाँ कि ना? Shut up, just shut up. It's not funny anymore. तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से उस आदमी ने शैली को, वैसे तुम्हें कुछ बोल के कुछ फायदा तो है नहीं, तुम्हारी मोटी बुद्धि में कुछ जाने वाला नहीं है। ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरों की। जाइए जाके शॉपिंग करिए, कोई तो काम ढंग का करिए, जाइए।